हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि मैं अपनी लुकबुक वीडियोस कैसे शूट करती हूं, किस तरह से एडिट करती हूं, खुद ही अपने कैमरे से कैसे रिकॉर्डिंग करती हूं, कैसे इफेक्ट्स यूज़ करती हूं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूं। तो बेसिकली आप अपनी फैशन लुकबुक वीडियोस कैसे शूट कर सकते हैं खुद से, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्प आपको इससे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा मुझसे पूछते हैं। तो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा से। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, आप फुल वर्जन खरीद सकते हैं, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप लैपटॉप पे एडिटिंग करते हैं, डेस्कटॉप पे एडिटिंग करते हैं, तो आप कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे वंडरशेयर फिल्मोरा है, या फिर विंडोज का भी अपना एक सॉफ्टवेयर आता है मूवी मेकर, आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर और भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड जिसको इतनी नॉलेज नहीं भी है एडिटिंग की, वो भी बहुत इजीली इस पर एडिटिंग कर सकता है। तो वंडरशेयर फिल्मोरा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन से एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ़ोन के लिए भी बहुत सारी ऐप्स हैं, काइन मास्टर है, इन शॉट है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सभी के इनके भी ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि किस तरह से काइन मास्टर में आपको ट्रिम करना है, किस तरह से इफेक्ट्स डालने हैं, किस तरह से टेक्स्ट आएगा। इन सभी के ट्यूटोरियल्स आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए, बिल्कुल सीख सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए एंड एडिटिंग कीजिए, उसके साथ साथ आप सब कुछ बहुत इजीली सीख जाएंगे। बेसिकली जो लुकबुक वीडियोस होती हैं जो हम शूट करते हैं, इसमें मेन चीज़ होती है कि हमें कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट डिलीट करना है। तो हम ट्रिम ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सा पार्ट हमको रखना है उतना ही हम बस पोर्शन ट्रिम कर लेते हैं, एंड देन जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं उनको ज्वाइन करके फिर हम एक वीडियो बना देते हैं। तो हमको ट्रिम ऑप्शन यूज़ करना होता है सबसे ज़्यादा। सेकेंड ऑप्शन जो हमको यूज़ करना होता है वो है कि हम उसमें टेक्स्ट दिखाते हैं, यू नो, लिखना, कोई भी अगर आपको डिटेल्स देनी है, प्राइसेस देने हैं, या फिर कुछ भी चीज़ आपको टेक्स्ट में लिखनी है, तो वो हम यूज़ करते हैं। थर्ड चीज़ ट्रांजिशंस, उन क्लिपिंग्स के बीच में जो ट्रांजिशंस आता है कि एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप कैसे आएगी, उसमें हम ट्रांजिशंस डालते हैं। तो सिर्फ इन दो तीन इफेक्ट्स की हमको ज़रूरत होती है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं अपनी वीडियोस को खुद शूट करती हूँ DSLR से। मेरा जो कैमरा है, दिस इज़ निकॉन D5300, विच इज़ वेरी गुड फॉर बिगनर, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इस कैमरे को, क्योंकि जब मैंने ये कैमरा लिया था उस टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं थे बिगनर्स के लिए, एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है ये, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था तो मैंने इसको लिया था। अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कैनन M50 ट्राई कर सकते हैं एज अ बिगनर, बहुत ही अच्छा कैमरा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, तो बेस्ट इज़ M50। बट येस, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप एक बिगनर हैं यूट्यूब में, आप नया नया शुरू कर रहे हैं, तो आप अभी DSLR से शूट मत कीजिए। आपके पास जो भी है, जो भी कैमरा है, आप उससे शूट करना शुरू कीजिए, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से आप शूट कीजिए। पूरा प्रोसेस समझिए पहले, कैसे शूट होता है, कैसे एडिटिंग होती है, ऐसा आपको पूरा प्रोसेस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप पहले अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए। तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने निकॉन D5300 से, एंड मैं इसको ट्राईपॉड पर सेट कर लेती हूँ और अपना ऑटो मोड पे रखती हूँ इसको, एंड देन मैं अपनी वीडियोस को शूट कर लेती हूँ। मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, एंड बहुत इजी है एक्चुअली, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहुत इजीली अपनी वीडियोस खुद से शूट कर सकते हैं। बाकी एक बार मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, देन मैं उसको अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ एडिटिंग करती हूँ। बहुत ही बेसिक एडिटिंग है जो मैं करती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा मैं इफ़ेक्ट्स नहीं डालती हूँ, एंड ये चीज़ मैं आपको भी कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट मत डालिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, इस तरह की कोई भी इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल रखेंगे अपनी एडिटिंग को, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आपकी लुकबुक अच्छी लगेगी। अगर आप एक लुकबुक वीडियो शूट कर रहे हैं, या फिर जो भी वीडियोस आप शूट करना चाहते हैं, काफ़ी नीट फिनिशिंग मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स मत डालिए, बहुत ज़्यादा आप उसमें फिल्टर्स मत ऐड करिए, टेक्स्ट को मत ऐड कीजिए, ट्रांजिशंस को ऐड मत कीजिए, सिंपल कट ट्रिम कीजिए अपनी क्लिपिंग्स को, एंड क्लिपिंग्स को बस आप वीडियो में ऐड कर लीजिए, एंड छोटे मोटे आप जहाँ पर टेक्स्ट की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर टेक्स्ट को ऐड कीजिए, जहाँ पर ट्रांजिशंस की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर ट्रांजिशंस को डालिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या इफेक्ट्स ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, कुछ 4-5 इफेक्ट्स हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं।
इफेक्ट जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो है ये वाला इफेक्ट, जिसमें मैं एक ही पोज को बार बार रिपीट करती हूँ, अलग अलग फ्रेम में रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने फुल फ्रेम में रखा है पूरा, मैं इसमें पूरी नजर आ रही हूँ और मैंने इसमें अपनी स्कर्ट को ऐसे लहराते हुए घुमाया है। अब इस सेम चीज को मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आगे आकर मैं रिकॉर्ड करूंगी। आप कोई भी कैमरा एंगल रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सेम चीज को पोज कीजिए बट थोड़े से डिफरेंट एंगल से, थोड़े से डिफरेंट फ्रेम में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो नाउ अब मैं ये क्लिप वन और क्लिप टू को मिक्स करके आपको फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिप वन को लिया है एंड जैसे ही मैंने अपनी स्कर्ट को ऐसे राउंड करके घुमाया, टर्न किया, वहां पर मैं इस क्लिप वन को स्टॉप कर दूंगी, ट्रिम कर दूंगी यहाँ से एंड आगे वाला पार्ट इसमें से डिलीट कर दूंगी एंड आगे वाला पार्ट मैं लेकर आऊंगी यहाँ पर अपने क्लिप टू से। तो क्लिप टू मुझे शुरू करनी है वहां से जहां पर मैंने क्लिप वन को एंड किया है। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर क्लिप वन को एडिट करके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो डिलीट कर दिया। अब मैंने क्लिप टू को लिया और जहाँ पे क्लिप वन को एंड किया था वहां पे इसको स्टॉप किया, ट्रिम किया एंड जो पहले वाला पार्ट था उसको डिलीट कर दिया एंड ये आगे वाला पार्ट अपनी पहली वाली क्लिप के साथ मर्ज कर दिया। तो थोड़ा सा पार्ट क्लिप वन का, थोड़ा सा पार्ट क्लिप टू का, लेकिन क्योंकि सेम पोज है, सेम तरह से मैंने अपनी स्कर्ट को लहराया है, तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा कैमरा कोई और हैंडल कर रहा है। काफी सिंपल है ये करना, इतना जरूरी भी नहीं है कि आप अलग से ये चीजें करें। एक ही फ्रेम में भी अगर आप रखेंगे तो भी ठीक है, बट अगर इस तरह से करेंगे ना तो थोड़ा सा कम बोरिंग लगेगा, आपकी जो लुक बुक है वो थोड़ी सी और अपीलिंग दिखेगी। क्योंकि जब अकेले आप शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो इतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते कैमरा मूवमेंट के लिए, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। यही सेम इफेक्ट मैं यूज करती हूँ अपनी बाकी के स्टाइलिंग वीडियो में। जैसे यहाँ पर मुझे ये झुमकी इयररिंग का शॉट लेना है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लिप में शॉट लिया है, झुमकी इयररिंग्स को फोकस में रखा है एंड इसको फिर अपने इयर्स में से पहना है। सेकंड क्लिप में मैंने सेम चीज पोज करी है, लेकिन पीछे जाकर फुल फ्रेम में मैंने रखा है अपने आप को एंड फिर से झुमकी इयररिंग दिखाई है एंड उसको ऐसे कानों में पहना है। अब नाउ अगेन इन दोनों क्लिप को मैं मर्ज करके आपको दिखाती हूँ। पहले वाले क्लिप को मैं लूंगी, झुमका दिखाऊंगी एंड जब मैं उसको अपने कानों में पहनने लगूंगी वहां पर मैं स्टॉप करके आगे वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी एंड इसके आगे वाला पार्ट मैं क्लिप टू से पिक करूंगी। देखिए यहां पर मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ सेकंड क्लिप को मैं अगेन झुमका दिखाऊंगी एंड यहां पर मुझे वहां से शुरू करना है जहां पर मैंने अपनी क्लिप वन को एंड किया था, यानी कि यहां पर जब मैं अपना झुमका इयररिंग पहन रही हूं यहां पर मैंने उसको स्टॉप किया एंड पहले वाला पार्ट डिलीट कर दिया एंड फर्स्ट वाली क्लिप के साथ उसको मर्ज कर दिया। नाउ सी द फाइनल आउटपुट, मैंने अपना इयररिंग दिखाया एंड वापस अपने कानों में पहन लिया। दो डिफरेंट शॉट है बट क्योंकि मैंने सेम तरह से पोज किया है तो वो एक ही शॉट लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है मेरा जो कैमरा है वो कोई और हैंडल कर रहा है। सी मैंने यहाँ पर अगेन फिर से वही चीज की है, पहले अपना पर्स दिखाया फिर उसको पीछे लेकर गई मैं एंड सेम चीज मैंने पोज किया पीछे जाकर एंड फिर से मैंने एडिटिंग करके इन दोनों पार्ट्स को मर्ज कर दिया। बस ये ध्यान देना है जहां पर जिस पोजिशन पे मैंने क्लिप वन को एंड किया है उसी पोजिशन से मुझे क्लिप टू को शुरू करना है और उनको मर्ज करना है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको डिलीट कर देना है। नाउ सी द फाइनल आउटपुट। नाउ ये सेम ट्रिक मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ये डिफरेंट इफेक्ट्स डालती हूँ अपनी वीडियोस में एंड इसके बारे में आप बहुत पूछते हैं कि मैं इसका अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊं। तो अगेन मैं दो पार्ट में इसको शूट करती हूँ। पहली क्लिप आप देखिए, यहाँ पर मुझे ये टॉप इस गाउन के ऊपर पहनना है, इस ड्रेस के ऊपर पहनना है, तो ये टॉप मैं लूंगी अपने हाथ में और ऐसे पूरा इसको सामने दिखाकर फिर ऐसे पीछे लेकर जाऊंगी, ऐसे पहनने की एक्टिंग करूंगी। नाउ सेम पोज मैं फिर से करूंगी लेकिन इस टॉप को पहन के करूंगी और मुझे अपना कैमरा बिल्कुल नहीं हिलाना है, सेम जगह पर रखना है, सेम पोजीशन पे खड़े होकर मुझे सेम एक्टिंग करनी है। नाउ अगेन इन दोनों क्लिप्स को मैं अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में एडिट करके मर्ज कर दूंगी। जहां पर मैं अपने टॉप को पीछे से लेके जा रही हूँ वहां पर मैं स्टॉप करूंगी एंड आगे वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी एंड इसके आगे का पार्ट मैं अपनी क्लिप टू से लूंगी जहां पर मैंने टॉप को पहन लिया है एंड अगेन जहां पर मेरा हाथ का मूवमेंट जा रहा है पीछे उसी पोजिशन से मैं शुरू करूंगी अपने क्लिप टू को एंड क्लिप वन के साथ उसको मर्ज कर दूंगी, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दूंगी एंड जो फाइनल आउटपुट है फिर आप देखिए इस तरह से आपको ये नजर आएगा कुछ। तो इसी तरह से मैं अपने सारे इफेक्ट्स अपनी वीडियोस में यूज करती हूँ, बहुत ही सिंपल है।
नेक्स्ट आपने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा है कि दी आपको यहाँ पर आपकी ज्वेलरी किसने कैच करवाई, आपको दुपट्टा किसने फेंका, ये चीज मैं कैसे करती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, मैं यहाँ पर सामान कैश नहीं करती हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपना जो एक्सेसरीज है, अपना दुपट्टा है, वो थ्रो करती हूँ एंड फिर मैं क्या करती हूँ उसको रिवर्स मोड में उसको एडिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक बटन होता है, छोटा सा एक क्लिप क्लिक बॉक्स होता है जिसको आपको चेक करना होता है कि प्ले योर वीडियो इन रिवर्स, ये आप ढूंढ सकते हैं जिस भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर्टिकुलर क्लिप को सेलेक्ट कीजिए एंड रिवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो पूरी वीडियो है वो उल्टी चलेगी और ऐसा लगेगा कि आपको कोई सामान फेंक रहा है एंड आप उसको पहन रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं अपनी सारी ज्वेलरी दुपट्टा सब निकाल कर फेंक रही हूँ एंड देन मैंने उसको रिवर्स किया तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सामान पकड़ा रहा है। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा इफेक्ट है जो मैं यूज करती हूँ, जब हम खुद से शूट करते हैं तो आप कैमरा मूव नहीं कर सकते, तो एक ही फ्रेम में आपको सेट करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन आप एडिटिंग के थ्रू अपने कैमरा को मूव करते हुए दिखा सकते हो। एक ऑप्शन होता है पैन एंड जूम, क्रॉप में अगर आप जाएंगे तो पैन एंड जूम आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्मोरा में, अदरवाइज किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आप ये ढूंढ सकते हैं, सभी में ये मोस्टली होता है पैन एंड जूम। तो आप जब क्रॉप करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए इस तरह से मैं सेटिंग करूंगी, अपने छोटे से कटआउट से मैं बताऊंगी कि कहाँ से मुझे शुरू करना है एंड कहाँ पर मुझे एंड करना है। जो आप देख सकते हैं जो बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, इससे आपको नजर आ रहा होगा एरो ऊपर जा रहा है, तो नीचे की तरफ से मेरा कैमरा धीरे धीरे मूव करके ऊपर आएगा, तो यहाँ से मुझे अपनी अपना फ्रेम शुरू करना है एंड ऊपर यहाँ पर एंड करना है। ये इंस्ट्रक्शंस मैं एडिटिंग के थ्रू दे सकती हूँ एंड देखिए फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, अगर आप अकेले शूट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आप डाल सकते हैं, इससे आपकी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेंगी। नेक्स्ट टिप इज जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं अपने फोन से या अपने कैमरे में तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स को भी रिकॉर्ड कीजिए, आपने क्या एक्सेसरीज पहनी है, क्या उसके साथ स्टाइल किया है, सब कुछ आप अलग से रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। जूम करके कर सकते हैं या फिर अपने कैमरे के पास जाके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रेम इस तरह से सेट कीजिए कि पूरा एक पूरा फ्रेम तो आए ही आए, जैसे कि यहाँ पर पूरा आउटफिट आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपको इस तरह से भी छोटी छोटी डिटेलिंग्स पर भी ध्यान देना है। आपने इयररिंग्स क्या पहने हैं, आपने नेकलेस क्या पहना है, आपने कौन सा फुटवेयर पहना है, इन सब का अलग से आप शॉट ले सकते हैं एंड देन अपने लुकबुक्स में ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज स्लो मोशन। स्लो मोशन में आप रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, अगर आपके पास DSLR है तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप उसमें स्लो मो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने कैमरे से भी आप कर सकते हैं, बट अगर आप वो नहीं कर पाए हैं तो आप एडिटिंग के थ्रू भी स्लो मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं। आप जो उसकी स्पीड है उस पर्टिकुलर क्लिप की, उसकी स्पीड को आप बस थोड़ा सा कम कर दीजिए तो वो स्लो मोशन उसमें हल्का सा एक ऐड हो जाएगा। सो ये चीज आप जरूर यूज किया कीजिए, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा अच्छा सिनेमैटिक लुक मिलता है जब आप थोड़ा सा स्लो मो उसमें ऐड करते हैं। सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं यूज करती हूँ, मैं मतलब अपनी वीडियोस को शूट करने में मुझे बहुत हेल्प करते हैं, आई होप आपको भी हेल्प करेंगे। और जितने भी आपको एडिटिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है मैं नीचे लिंक में कोशिश करूँगी देने की। मैं अब आपको उन सब चीज़ों पर तो वीडियो नहीं बनाना मेरे लिए पॉसिबल होगा, बट यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर का नाम डालिए एंड जो भी आपको उसमें सीखना है, यू नो एडिटिंग इन काइन मास्टर, एडिटिंग इन फिल्मोरा, इन सभी के ट्यूटोरियल्स आपको लेसन बाय लेसन सब कुछ मिल जाएगा किस तरह से आप क्या चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको हिंदी में भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए एंड देन आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपना स्मार्टफोन चलाना जानते हैं तो आप ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बहुत इजीली सीख लेंगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, अगर सच में मिली है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा ID है myolivetrunk। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।